नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल डिश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइव फोन के स्टोरेज कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव फोन के स्टोरेज बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा दोस्तों, जिसकी मदद से अपने लाइव फोन का स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखना होगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, मिस नहीं करना है इस वीडियो को आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपने लाइव के फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंपली सेटिंग में जाइएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको ऑप्शंस मिलेगा दोस्तों स्टोरेज का। स्टोरेज नीचे जाइएगा तो आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा स्टोरेज, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आप नीचे जाइएगा तो आपको कैच डाटा का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ओके दबा देना है। ठीक है दोस्तों, आप ओके दबाइएगा तो आपके लाइव के फ़ोन के जितने भी स्टोरेज है दोस्तों, मतलब वो जो कैश डाटा है वो आपका क्लियर कर देगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप सिंपली फाइल मैनेजर में जाइएगा दोस्तों, लेकिन जो लाइव के फ़ोन में पहले से फाइल मैनेजर दिया हुआ रहता है उसमें आपको एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिस ऑप्शन का नाम है साओ हाइडन फोल्डर्स। ये आपको ऑप्शन उस मतलब फाइल मैनेजर में जो लाइव के फ़ोन में दिया गया वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सिंपली आपको क्या करना होगा, एक फाइल मैनेजर ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों ES फाइल एक्सप्लोरर। इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है आप प्ले स्टोर से। इसमें वो ऑप्शन दिया गया है साओ हाइडन फोल्डर का, जिसके मदद से आप स्टोरेज को क्लियर कर पाएंगे। उसे डाउनलोड करने के बाद उसे आप ओपन कर दीजिएगा। तो जैसे आप इंस्टॉल करिएगा उसे आपको सिंपली ओपन कर देना है। जैसे ओपन करिएगा तो आपको यहाँ थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, फिर आप नीचे जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों साओ हाइडन फोल्डर। देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको ऑप्शन, ये साओ हाइडन फाइल्स का ऑप्शंस मिल रहा है, ये आपको सिंपली क्लिक ऑन कर देना है। ये डिसेबल हुआ था दोस्तों, इसे आपको इनेबल कर देना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज बता रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों जो छुपे हुए फाइल्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, गैलरी में कुछ फाइल रहते हैं दोस्तों, वो आप डिलीट करते हैं, कोई भी वीडियो ऑडियो जो भी गैलरी में आपका रहता है दोस्तों, फोटो वोटो डाउनलोड करते हैं मतलब डिलीट करते हैं गैलरी से, तो वो आपका फाइल मैनेजर में उपलब्ध रहते हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ से गैलरी से हट जाते हैं लेकिन फाइल मैनेजर में वो छुपे हुए रहते हैं, जिसके मदद से वो आपके बैकग्राउंड डाटा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसे आपको पूरा क्लियर कर देना है, इसलिए आपको ये फाइल मैनेजर लेना पड़ेगा जिसमें आपको साओ हाइडन फोल्डर्स मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देके बताता हूँ कि आपका स्टोरेज घेरता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप, जरूर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते होंगे अपने लाइफ के फ़ोन में, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शेयर्ड का जो दोस्तों फोल्डर है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं शेयर्ड फोल्डर की प्रॉपर्टी यहाँ पर 54 MB का है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है दोस्तों, जैसे ही आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है दोस्तों, जिसे आप दूसरे लोग को भेजते हैं या शेयर करते हैं, वो आपका डाटा कैश्ड हो जाता है, जिसके कारण से वो आपका सेट वाला फाइल में चला जाता है। लेकिन ये दोस्तों आपको पहले वाला फाइल मैनेजर में नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा जो आपका लाइव फोन का फाइल मैनेजर रहता है, इसलिए इसे डिलीट करने के लिए आपको एक फाइल मैनेजर जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों फाइल एक्सप्लोरर लेना पड़ेगा। उसे आप जरूर डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं साओ हाइडन फोल्डर को आप ऑन करिएगा मतलब इनेबल करिएगा, तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाएगा शेयर का, इसे आप सिंपली डिलीट कर दीजिएगा। ये दोस्तों आपका कैश डाटा है, ये आपका स्टोरेज को बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सब जो है दोस्तों ये सब फाइल देख रहे हैं, ये सब डाटा कैच करता है दोस्तों, इसलिए आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं। और ये सब भी देख सकते हैं दोस्तों, आपको जितने भी फोल्डर्स अननोन मिले दोस्तों उसे आप सिंपली डिलीट कर दें। ऊपर भी देख सकते हैं बहुत सारे आपको फोल्डर्स दिया हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टीज आप चेक करके उसे आप डिलीट कर सकते हैं और स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। और सिंपली आप यहाँ पर बैक हो जाइएगा तो आपको एक क्लीनर का ऑप्शन मिलेगा, सब कुछ डिलीट करने के बाद आपको क्लीन कर देना है एक बार, जिससे आपका डाटा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो तो इसी मदद से आप स्टोरेज भी अपना बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन का, मतलब लाइफ का फ़ोन का, इसकी मदद से आप स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप ऐसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा लाल जैसा, उसे आप जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तेरे बखरे ते बुलियां दा हंसा तेरा की कहने तेरे नखरे दे लखा।